व्लॉग है, तो आज मैं आपको जो सिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही मजे की चीज है, मीठी मीठी चीज। कैन यू गेस? वो है ये रसगुल्ले। डिलीशियस। तो चले इसको कैसे बनाते हैं स्टार्ट करते हैं। और रसगुल्ले के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये चीज़, छेना। और ये जो है उसको, ये मैंने ऑलरेडी बनाना सिखा दिया है और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी कि परफेक्ट छेना कैसे बनाते हैं। और ये आज रसगुल्ले बनाने के लिए हमें चाहिए छेना, चीनी चाहिए, थोड़ा सा मैदा चाहिए, और उसके शीरे के लिए हमें चाहिए इलायची, लौंग और कड़ी पत्ते। अभी हम इन सब चीज़ों को मिक्सिंग कर देते हैं। पहले इन दोनों को मिक्स कर दें और फिर ये मिक्सचर छेना के ऊपर। और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर दें 10 मिनट तक। ये मिक्सिंग कर दी है और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से सॉफ्ट मिक्स हो गया है। और अभी ये परफेक्ट कैसे होगा वो चेक करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। आप कंटेनर में इसे लगाएं और फिर इसको उठा के देखें। अगर ये इसे अच्छे से उठ जाए तो मतलब ये आपका परफेक्ट तैयार हो गया है। बॉल आप किसी भी साइज़ के रसगुल्ले बना सकते हैं और मैं छोटी साइज़ के बना रही हूँ तो इसलिए मेरे बॉल्स जो है वो छोटे होंगे। ऐसे आपको ये बॉल्स बनाने हैं। तो अभी मेरे रसगुल्ले तैयार हो गए और चले अभी इसको शीरे में डालते हैं। तो जो ये रसगुल्ले के बॉल्स हैं इसके लिए मैंने लिया था 3 लीटर दूध। तो उस हिसाब से शीरे के लिए हमें चाहिए 3 कप चीनी और 12 कप पानी, और उसके अलावा थोड़ा सा इलायची, थोड़ी लौंग और थोड़े से कड़ी पत्ते जो कि मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। और इसको आप 5 से 10 मिनट तक पकाएं, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद हम इसको डायरेक्ट ये बस अंदर डालेंगे इसके, एक एक करके, और संभल के डालिएगा। और अभी ढक्कन देके और हाई फ्लेम कर देनी है 5 मिनट के लिए। और अभी 5 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं ये कैसे ऊपर आ गए सारे रसगुल्ले। तो अभी मीडियम आंच कर देनी है, मीडियम फ्लेम, और हमें ऐसे ही 20 मिनट्स तक रखना है और इस ढक्कन को खोलना नहीं है, ऐसे ही बंद होगा। तो अभी 20 मिनट हो गए, चले चेक करते हैं ये कैसा हुआ। वाओ, ये आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बॉल्स थे और कितने बड़े हो गए। ये तो अभी कैसे पता चलेगा कि हमारे जो रसगुल्ले हैं वो पक गए हैं कि नहीं पके, तो एक मजे की ट्रिक मैं आपको अभी बताऊंगी। आप एक चम्मच के जरिए एक रसगुल्ला लेंगे, उसको नॉर्मल पानी में जस्ट डाल दीजिए। और अगर ये रसगुल्ला ऐसे मेरे रसगुल्ले की तरह नीचे चला जाए तो इसका मतलब ये परफेक्टली कुक्ड है। और अगर ये ऐसे ऊपर तैर रहा है पानी में तो इसको फिर आपको क्या करना है, थोड़ी देर और पकाना है। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरा जो रसगुल्ला है वो परफेक्टली कुक्ड हो गया है। तो मेरा फाइनली रसगुल्ले डन है। तो जी फ्रेंड्स, आज की मेरी ये रेसिपी थी रसगुल्ले बनाने की, और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो छेना की रेसिपी है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।